वेलकम बैक, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं हूँ जयदीप, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ले कर आया हूँ कक्षा 10 के पहले पार्ट का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमने पढ़ा जिसमें एक लेंचो नाम का आदमी है जो एक वैली में रहता है, और वहाँ पर वो पूरी वैली में एक अकेले घर में रहता है, और वहाँ पर वो अपनी खेती करता है, और उसी खेती में वो भगवान से ये दुआ करता है कि बारिश अच्छी हो जाए। बट बारिश नहीं अच्छी होती है, और उसके बारिश नहीं होती और साथ में ओले बरसने लगती है ज़्यादा, और इस वजह से उसकी फसल नष्ट हो जाती है। और उसकी उसको अब लगता है कि उसको पूरी वैली में एक साल के लिए भूखा रहना पड़ेगा। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। जैसे क्या वो आगे करता है उसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी, अब देखिए, बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ, जो उनका दिल था या उनका जो रहते थे वहाँ पर, कौन हु जो रहते थे, कौन रहते थे, दैट सॉलिटरी हाउस, उस इकलौते घर में, अकेला घर था उस घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, इन द मिडिल मतलब के मध्य, जो घाटी के मध्य, जो इकलौता घर, एक ही अकेला घर था, उसके अंदर रहने वाले सभी के दिलों में क्या था, क्या था, देयर वाज ए सिंगल होप, सिर्फ एक ही आशा थी। होप का अर्थ होता है आशा, उनके दिमाग में और दिल में सिर्फ एक ही आशा थी। क्या आशा थी, देखिए, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से या ईश्वर से मदद, किससे मदद, ईश्वर से मदद। देखिए फिर, डू नॉट बी सो अपसेट, वो ज़्यादातर क्या कहते हैं कि हमें अपसेट नहीं होना है, इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर। अब देखिए, अब ये हमारी फसल चाहे खराब हो जाए, लेकिन याद रखना कोई भूखा नहीं मरेगा, क्या नहीं करेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। फसल आज नष्ट हो गई तो क्या हुआ, भूखा कोई नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और उस पूरी रात को लेंचो के दिमाग में सिर्फ एक ही आशा थी, क्या थी, एक ही आशा थी, कौन सी आशा थी, देखिए, द हेल्प ऑफ गॉड, सिर्फ ईश्वर से मदद, किससे मदद, सिर्फ ईश्वर से ही मदद की एक ही आशा लेंचो के मन में थी। देखिए फिर, ईश्वर से क्या मदद मिलती है उसको, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड एज एवरी थिंग इवन दैट वाज इन डीप इन वंस कॉन्शियस। अब देखिए, वो कहता है कि भगवान है या ईश्वर है, उसकी आंखें हैं, वो सभी को देखती है, किसको, सब जगह पर है, इवन चाहे वो, व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, वो भगवान है, उसका दिमाग ऐसा है कि वो किसी के साथ गलत नहीं होने देगा, उसको पता है किसके साथ गलत हुआ है और किसके साथ सही हुआ है। कॉन्शियस मतलब इनर सेंस, उसके अंदर की भावना, राइट और रॉन्ग, गलत और सही को पहचानने की। देखिए फिर आगे क्या होता है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, अब लेंचो एक बेल की तरह काम करता था, किसकी तरह, बेल की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जैसे कोई जो जानवर है वो अपने खेत में काम कर रहा है। बट लेकिन स्टिल ही नेव हाउ टू राइट, लेकिन वो उसके बावजूद भी जानता था कि कैसे लिखते हैं, उसको लिखना पढ़ना भी आता था। द फॉलोइंग संडे, उसी रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के जो अवकाश था, दोपहर था, उसके बाद ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वॉज वुड कैरी टू टाउन एंड पैलेस इन द मेल। अब देखिए, उसने उसी दोपहर को एक पत्र लिखा, हिमसेल्फ खुद ने पत्र लिखा, कैरी टू टाउन, और गया, कहाँ गया, टाउन शहर में गया, एंड पैलेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल दिया, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर, इसमें और कुछ नहीं था सिवाय एक भगवान को पत्र ही लिखा गया था। क्या लिखा था पत्र में, देखिए, बहुत ही मज़ेदार है, गॉड भगवान ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर ही रोट, वह लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, हम भूखे रहेंगे दिस ईयर, पूरे साल है, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोस है, वो एक देश की मुद्रा है, तो कहता है कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मैं इन 100 पैसोस का कहाँ इस्तेमाल करूँगा, फिर से खेती करने के लिए, एंड टू लाइव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक कि अगली फसल है वो नहीं निकलती, बिकॉज द हेल स्टोन, जो कि मेरी
फसल खराब हो गई, इस वजह से मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए अगली अगली फसल आएगी तब तक गुजारा करूंगा और नई फसल के बीज भी खरीदूंगा। देखो यहाँ पर पेसोज का अर्थ है करेंटली और सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, बहुत सारे अमेरिकन कंट्री है उनकी ये मुद्रा है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, उसने जो लिफाफा था उसके ऊपर लिखा, क्या लिखा? टू गॉड, लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, कहाँ पर? इनवलप मतलब लिफाफा, बट द लेटर इनसाइड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, और वो उसी पत्र को लेकर कहाँ गया? अपना जो टाउन है, नगर है, वहाँ गया, एट द पोस्ट ऑफिस, नगर की पोस्ट ऑफिस थी वहाँ गया। ही पेरिश्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर, और वहाँ पर उसने एक स्टाम्प लिया और लेटर के ऊपर चिपका दिया, ड्रॉप्ड इन टू इन द मेल बॉक्स, और उसके बाद उसको जो मेल बॉक्स होता है रेड कलर का उसके अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, उनमें से एक कार्यकर्ता था या एक क्या कह सकते हैं, वहाँ का एम्प्लॉय था, कर्मचारी था, हु वाज पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में लोगों की मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, और वो कहाँ गया? अपने बॉस के पास गया, कहाँ गया? बॉस के पास गया, जो पोस्ट मास्टर है उसके पास गया, और वहाँ क्या करता है देखिए, लाफिंग हार्टली और बहुत जोर जोर से हंसता, एंड शो हिम द लेटर, और वो अपना पत्र है जो लेंचो के द्वारा डाला गया था वो किसको बताता है? जो पोस्ट मास्टर है उसको बताता है। नेवर इन हिज कैरियर, और उसने अपने पूरे कैरियर है, अपना जीवन है उसमें एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में काम करते हुए, ही नॉन दैट एड्रेस, वो उस पते को नहीं जानता था, क्योंकि पता था टू गॉड, टू गॉड को वो नहीं जानता था कि टू गॉड, गॉड का घर कहाँ पर है। तो उसी तरीके से देखिए आगे क्या होता है, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, थोड़ा क्या उसके पेट है बाहर निकला हुआ था, एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, एकदम याराना स्वभाव का, और प्लीजेंट मतलब बढ़िया स्वभाव का इंसान था। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो अब उनको हंसते हुए कहता है, हंसते हुए रोकता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और उसके बाद वो अचानक सीरियस हो जाता है, इमीडिएटली मतलब अचानक अचानक सीरियस हो जाता है, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वहाँ पर अपना जो पत्र है उसको डेस्क पर पटकता है, कमेंटेड, और क्या कहता है, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, अब वो कहता है कि ये क्या है, विश्वास है, आई विश, मैं आशा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं उसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। हु रोट दिस लेटर, उसने ये पत्र लिखा, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, उसने भगवान के साथ या ईश्वर के साथ विश्वास रखते हुए ये पत्र लिखा, सो इसलिए आई ऑर्डर नोट ए सेक द राइटर फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, और उसने कहा कि इसका भगवान के प्रति विश्वास न टूटे इसलिए मैं क्या करूँगा, उसके दिमाग में एक सुझाव आया, एंसर द लेटर, उसके सुझाव में आया कि मैं अब उत्तर दूंगा इस पत्र का, ठीक है, बट लेकिन व्हेन ही ओपन्ड, उसने उस पत्र को खोला, क्या किया उसने पत्र को खोला, इट वाज इविडेंट दैट ही आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल्स, अब उसने क्या सोचा, पत्र खोलूंगा और उसको सिर्फ अपना क्या कहते हैं उसको मैं वापस लिखूंगा, उत्तर लिखूंगा, बट देखिए उसने जैसे ही पत्र खोला तो उसको क्या दिखा, उसको कुछ और जरूरत थी, क्या जरूरत थी, पैसों की, क्योंकि उसने सोचा एक इंक और पेपर से काम चल जाएगा कि इंक और पेपर से दोबारा उसको पत्र लिख दूंगा, बट वहाँ पर इंक पेपर की जरूरत नहीं थी, सो पैसों की जरूरत थी, बट ही स्टुक टू द रेसोल्यूशन, और उसने उसी समय स्थिति को संभाला, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, और फिर वो अपने जो कर्मचारी है उनसे जो धन है उसके लिए पूछते हैं, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, और उसने अपनी जो सैलरी है तनख्वाह है उसका भी हिस्सा दे दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके मित्रों से मित्र है, कई सारे मित्र है, ही वर ओब्लिक टू गिव समथिंग, और उन्होंने भी क्या किया, एक उसने उनसे मांगा, क्या मांगा, चैरिटी, एक दान के रूप में पैसे मांगे, दान के रूप में पैसे मांग कर उसने कहा उस किसान को दूंगा। फिर देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये मुश्किल था फॉर हिम, उसके लिए गेदर टुगेदर द 100 पैसोज, एक साथ 100 पैसोज की क्या करना, एक साथ 100 पैसोज का प्रबंधन करना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए देखिए फिर क्या होता है, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन
अब वो इतना ही सक्षम था कितना कि उसको आधे से ज्यादा थोड़े पैसे भेज दे। ठीक है, आधे से ज्यादा मतलब उसने 50, 60, 70 कितने भी भेजे होंगे वो बाद में लास्ट में आपको बता देंगे। ही पुट, वो रखता है द मनी इन एन इनवेल्प, और किसमें रखता है, पैसों को एक लिफाफे में रखता है। एड्रेस टू लेंचो, एंड उसके ऊपर एड्रेस लिखता है लेंचो, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर कोड, और उस पर सिर्फ क्या लिखता है, सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है, किस नाम का, एक गॉड नाम का सिग्नेचर करता है। फिर देखिए, फिर क्या होता है, फॉलोइंग संडे, और उसी जो संडे था उसके दिन, जो रविवार था उसी दिन क्या करता है, लेंचो, लेंचो आता है, क्या करता है, लेंचो कम बाइट अर्लियर देन यूजुअली, आस्क देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, वहां पर सुबह जल्दी आ जाता है और पोस्ट मास्टर के पास उस पोस्ट ऑफिस में, और पत्र के लिए पूछता है कि मेरा कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, और वो पोस्टमैन क्या करता है, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और वो अपना जो पत्र जो पोस्ट मास्टर लिखता है वो पत्र उसको पकड़ा देता है। हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड इन फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए, जो बढ़िया किस्म का जो पोस्ट मास्टर था उसने जो पत्र लिखा था, तो उसके बाद उसने एक्सपीरियंस किया, उसने महसूस किया उस आदमी की खुशी जिस आदमी को वो पत्र मिल रहा था। देखिए फिर क्या होता है, लेंचो सॉल्व्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वो लेंचो है वो ज़्यादा सरप्राइज अचंभित महसूस नहीं करता ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर, पैसों को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता, क्यों नहीं होता, देखिए, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और वो क्या था, उसका आत्मविश्वास था, क्यों विश्वास था, बट ही बिकम एंग्री, फिर उसको गुस्सा आ जाता है, लेंचो को गुस्सा आता, क्यों गुस्सा आता, देखिए, व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो पैसों को गिनता है, वो धन को गिनता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि भगवान है, ईश्वर है, वो कभी भी कोई गलती या मिस्टेक नहीं कर सकता, नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हिज रिक्वेस्टेड। अब देखिए वो कहता है कि भगवान से तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो तो कभी गलती नहीं कर सकता गिनने में, काउंट करने में, ये कहीं और किसी की गलती है। फिर देखिए क्या होता है, इमीडिएटली, अचानक जल्दी से लेंचो वेंट अप, खड़ा होता है टू द विंडो, फिर खिड़की के पास जाता है और आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, और उनसे क्या मांगता है, एक पेपर पन्ना और एक इंक मतलब स्याही की पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटन टेबल, जो कि पब्लिक जो सार्वजनिक टेबल थी जिस पर कोई भी लिख सकता था, वहाँ पर वो मांगता है। फिर ही स्टार्टेड टू राइट, वो फिर से लिखना शुरू करता है विथ मच रिंकलिंग, और उसके मुंह पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, ऑफ द हिज बैरो, बैरो मतलब आईब्रो है, जो भौहें थी वो एकदम झुर्रियों वाली हो गई थी, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, और फिर वो अपना सुझाव है वो लिखता है। व्हेन ही फिनिश्ड, वो लिखकर खत्म करता है, ही वेंट टू द विंडो, और कहाँ जाता है, विंडो के पास, खिड़की पास, खिड़की के पास जाता है, बाय अ स्टाम्प, स्टाम्प खरीदता है, विच ही लिंक्ड एंड देन अफिक्सेड टू, जिसको स्टाम्प को खरीद कर वो लिंक करता है, जोड़ देता है, किसके साथ, पत्र के साथ जोड़ता है, द एनवलप जो लिफाफा है उसके साथ जोड़ता है। फिर क्या होता है, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिर वो अपनी जो हाथ है मुट्ठी से आगे करता है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, फिर वो जो लेटर है, पत्र है, वो मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसको खोलता है, किसको, पत्र को, इट सैड, वो कहता है, कौन, जो लेंचो है वो लिखते हुए कहता है, गॉड ईश्वर ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसों के लिए मैंने आपसे मदद मांगी थी, ओनली 17 पैसोज, कितने, 70 पैसोज ही थे, कितने थे, 70 पैसोज थे, रीच्ड मी, मेरे को सिर्फ 70 पैसोज ही मिले है, सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ मेरे को भी भेजो, बाकी वाले 30 पैसोज है वो भी भेजो, भगवान से कहता है, सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर इस बार क्या, इसको मेरे को पोस्ट मास्टर की इस पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्यों मत भेजना, देखिए, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रॉक्स, अब वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, वो क्या है, घटिया किस्म के है, वो बीच में पैसे आपने भेजे थे पहले 30 रुपये खा गए, इस बार इस पोस्ट ऑफिस से पैसे मत भेजना, ये लेंचो कहता है। देखिए, जिन पोस्ट ऑफिस वालों ने इनकी भलाई की, जिनकी वजह से उसको पैसे मिले, बट लास्ट में लेंचो क्या है, इसका इतना भगवान पर विश्वास रहता है कि वो भगवान से
कहता है कि आपने कोई गलती नहीं की, इन पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पैसों है वो बीच में से निकाल लिए। बहुत ही बढ़िया कहानी थी, बहुत ही